हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ, आई एम सुनंदा, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम सनविन कॉन्वेंट स्कूल, एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर इंग्लिश चैप्टर नंबर 1. एज वी ऑल नो, द लास्ट थ्री वीडियोज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट देयर आर द फोर गर्ल्स इन अ हाउस. दे आर लिविंग देयर लाइफ with happy life, and on a Christmas day they got the gift, one book from their mother, and after that their mother told that in a neighbor there is a family who is suffering from cold and the children are very hungry, so she asked to help them. And they all were ready. So next we have to start it from here. I thought you would do it, this one, said Mrs. March, smiling as if satisfied. जब वो पूछी थी कि क्या तुम लोग हेल्प करना चाहोगे, तो सबने रेडी हो, सब रेडी हो गए. उसके बाद वो खुश हो गई और उनके चेहरे पे एक सेटिस्फेक्शन था और वो खुश थी, एक स्माइल था. यू शैल ऑल गो एंड हेल्प मी. व्हेन वी कम बैक यू विल हैव ब्रेड एंड मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट एंड मेक इट अप एट डिनर टाइम. वो बोली कि ठीक है, तो हम लोग सब लोग जाते हैं, आएंगे तो फिर ब्रेकफास्ट में ब्रेड और मिल्क खाएंगे और डिनर के लिए कुछ रखेंगे, कुछ बनाएंगे. ये सारी बातें हुई. उसके बाद सारे बच्चे, उनके चारों बेटियां जो थी, बच्चियां जो थी, वो चली जाती हैं हेल्प करने के लिए. अ पुअर बेयर मिजरेबल रूम इट वॉज, विथ ब्रोकन विंडोज, नो फायर रैक्ड बेड क्लॉथ्स, अ सिक मदर, वेलिंग बेबी एंड अ ग्रुप ऑफ पेल हंग्री चिल्ड्रेन कडल्ड अंडर वन ओल्ड क्वाइट ट्राइंग टू कीप वॉर. इसका मतलब कि एक बहुत ही मिजरेबल रूम था, जिस रूम का कोई कंडीशन मतलब अच्छा नहीं था, जिसकी खिड़कियाँ टूटी हुई थी, कोई आग नहीं था, जो बेड था, जो बिस्तर था वो कपड़ों से फटा हुआ था, मतलब बिस्तर का जो कपड़ा होता है फटा हुआ था. उसकी माँ जो थी काफ़ी बीमार थी, बच्चा जो था वो रो रहा था, और ग्रुप ऑफ मतलब और जो बाकी बच्चे थे, 6 बच्चे थे ना उसके, तो बाकी जो बच्चे थे काफ़ी भूखे और काफ़ी सिक दिख रहे थे, काफ़ी कमज़ोर दिख रहे थे, और दे वर कडल्ड अंडर ओल्ड क्वाइट, मतलब एक दूसरे के साथ ग्रुप बना के बैठे हुए थे ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके ठंडे से, अपने आप को बचाने के लिए एक साथ बैठे हुए थे. हाउ द बिग आईज स्टेयर्ड एंड ब्लू लिप्स स्माइल्ड एज द गर्ल वेंट इन. क्या होता है कि जब लड़कियां घुसती हैं, चारों लड़कियां जाती हैं हेल्प करने के लिए, तो उनकी जो आंखें हैं चमक जाती हैं, मतलब एक खुशी और उनके होठों पे खुशी आती है, उनको लगता है कि हाँ कोई हमारी हेल्प करने के लिए आया है. एच माय गॉड, इसका मतलब होता है ओ माय गॉड. ये जर्मन एक स्टेटमेंट है, इसका मतलब Oh my God, it is good, angel, come to us, said the poor woman, crying for joy. वो जो उनकी माँ थी, जो बेचारे पुअर माँ थी, वो बोली कि ऐसा लगता है कि कोई एंजल हमारी हेल्प करने आई हुई है. Funny angels in hood and mittens, said Joe, and said them laughing. जो क्या बोलती है कि funny angels, जो कि hoods और मिटन्स में, हुड्स मतलब कि जो कपड़े होते हैं, जो मोटे मोटे कोट्स होते हैं, हुडीज होते हैं सर पे वो, और मिटन्स मतलब जो ग्लोव्स होते हैं, जिनके जो जिनमें एक अंगूठा होता है और बाकी के लिए फिंगर्स के लिए डिजाइनिंग नहीं होता है, वो एक तरह का ग्लोव्स होता है, मिटन्स मतलब ग्लोव. ओके, ये जो कहती है, इन अ फ्यू मिनट इट रियली did seem as if kind spirit had been at work there.
कुछ ही समय बाद ऐसा लगने लगा कि बहुत ही अच्छी आत्माएं, बहुत अच्छे विचार के लोग वहां पे काम कर रहे हैं। हन्ना हु हैड कैरिड वुड मेड अ फायर एंड स्टॉप्ड अप द ब्रोकन। हन्ना जो थी वो लकड़ियां इकट्ठा करती है, आग जलाती है और स्टॉप अप द पैंस विद द ओल्ड हैट्स एंड हर ओन क्लॉक। मिसेज मार्च गेव द मदर टी एंड ग्रुएल। जो मिसेज मार्च थी उनकी माँ को, उसकी माँ को चाय देती हैं और ग्रुएल देती है। ग्रुएल मतलब लिक्विड फूड जो होता है, जो कि बहुत जो बीमार लोग रहते हैं उनको दिया जाता है। ओट मील का जो लिक्विड फूड बनाया जाता है उसको कहते हैं। ओके, तो वो चीज़ होता है ग्रुएल। यू कैन सी हियर, इट इज ग्रुएल हियर नाउ। एंड कम्फर्टेड हर विद प्रोमिसेस ऑफ हेल्प। और वो उनको सहानुभूति देती हैं, जैसे कि जब भी कोई ज़रूरत पड़े तो आप हमें याद कीजिएगा, वी विल हेल्प यू। व्हाइल सी ड्रेस द लिटिल बेबी एज टेंडरली एज इफ इट हैड बीन हर ओन। उसके बाद वो जो बच्चा था, एक छोटा सा बच्चा था, तो उनको उसको ऐसे मतलब कपड़ा पहनाती है जैसे कि वो बच्चा उनका खुद का था, इस तरीके से। द गर्ल्स मीन टाइम स्प्रेड द टेबल सेट द चिल्ड्रेन राउंड द फायर एंड फेड देम लाइक सो मेनी हंग्री बर्ड्स लाफिंग टॉकिंग एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द फनी ब्रोकन इंग्लिश। जो बच्चे थे वहां पे और जो लड़कियां थी उनको, उनके लिए कुछ समय में पूरा खाना परोस दी और चारों तरफ आग के चारों तरफ उनको बैठा दिया गया। और काफी जो बच्चे थे सब लोग खुश थे, ऐसा लग रहा था कि हंसी की खिलकारी गूंज रही थी। और अंडर द नेक्स्ट That's is good. This is also a German statement. इसका मतलब होता है It's good. It means it's good. See here, this one. इसका मतलब It's good. Okay? Die Angel Kinder. इसका ये भी एक German statement है. इसका मतलब होता है कि the angel children. ये उनके लिए, उन बच्चियों के लिए use किया गया है जो चारों लड़कियां थी, उनके लिए यूज किया गया है। दिस इज यूज्ड फॉर देम। ओके, क्राई द पुअर थिंग्स एज द एट एंड वॉर्म द पर्पल हैंड्स एट द कंफर्टेबल प्लेस। उसके बाद सारे जो बच्चे थे उनको खिलाती हैं और काफी उनको मतलब आराम देती हैं। द गर्ल्स हैड नेवर बीन कॉल्ड एंजल चिल्ड्रन बिफोर। वो जो बच्चियां थी, जो चारों लड़कियां थी, दे हैड नेवर बीन कॉल्ड एंजल चिल्ड्रन बिफोर। उसके पहले उन्हें कभी एंजल नहीं बोला गया था, कोई मतलब इस तरीके से उनको संबोधित नहीं किया गया था। एंड थॉट इट वेरी एग्रीएबल स्पेशली जो। और उसके बाद उनको ये चीज़ बहुत अच्छा लगा, काफ़ी उसे मतलब उनको तसल्ली मिला, स्पेशली जो को, हु हैड बीन कंसिडर्ड अ सैंचो। सैंचो मतलब जो होता है एक लड़का दिखने वाला, जो कि मतलब काफी लड़कियों का हेल्प करता हो उस तरीके से। तो जो को ये चीज बहुत अच्छा लगा। एवर सिंस सी वॉज बॉर्न, उसको कभी ऐसा किसी ने नहीं बोला था, इसलिए वो काफी खुश थी। दैट वॉज अ वेरी हैप्पी ब्रेकफास्ट थॉट दे डिडंट गेट एनी ऑफ इट एंड वेन दे वेंट अवे लिविंग कम्फर्टेबल बिहाइंड आई थॉट देयर वर नॉट इन द सिटी फॉर मेरियर्स पीपल्स एंड हंग्री लिटिल गर्ल्स हु गेव अवे देयर ब्रेकफास्ट एंड कंटेस्टेड देमसेल्व विद ब्रेड एंड मिल्क ऑन क्रिसमस मॉर्निंग। उसके बाद क्या होता है कि जब वो चार लड़कियाँ काफ़ी खुश थी, बहुत खुश थी हेल्प करके, उसके बाद घर जाती हैं एज अ ब्रेकफास्ट दे टेक ब्रेड एंड मिल्क क्रिसमस मॉर्निंग में।
और फिर भी वो काफी खुश रहती हैं। डैड्स लविंग आवर नेबर नेबर बेटर देन आवर सेल्फ एंड आई लाइक इट सेड मेग एज दे सेट आउट देयर पेरेंट्स प्रेजेंट्स व्हाइल देयर मदर वॉज अपस्टेयर्स रिकलेक्टिंग द क्लॉथ्स फॉर द पुअर हमल्स। उसके बाद क्या होता है कि मेग मेग बोलती है कि ये हैं हमारे मतलब वो नेबर्स को जो पड़ोसी होते हैं उनको बोलती है कि वो हमारे ये बहुत लविंग हैं, बहुत ही अच्छे हैं। सिज कमिंग स्ट्राइक अप बेथ ओपन द डोर अमी थ्री चीयर्स फॉर द मार्मी क्राइड जो prank prancing okay we will see the next thing next para in the next video okay it will be for 2 or 3 minutes, 4 minutes that is left because timing is being over thank you and keep watching the